ग्लोड तहसील के अंतर्गत गत रात करीब 12 बजे रोपड़ी गांव के लिए बने सामुदायिक भवन को शरारती तत्वों ने जलाकर राख कर दिया। लगभग 20 से 25 साल पहले बने इस स्लेटपोश सामुदायिक भवन के बरामदे में गांव के 5 परिवारों के दोपहिया वाहन भी खड़े होते थे। 5 दोपहिया वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोपड़ू गांव के रणजीत सिंह की पत्नी ने रात 12 बजे के करीब कुछ धमाके की आवाज सुनी। वे घर से बाहर निकली तो उसने आग की लपटें उठती देखी। उसने जोर से आवाज लगाने पर अन्य ग्रामीणों को भी जगाया। जब तक ग्रामीण उठते और मौके पर पहुंचते तब तक जंजघर और वहां खड़े वाहन जलकर राख हो चुके थे। हालांकि ग्रामीणों ने आग को फैलने से रोकने में भरसक प्रयास किए और कुछ घंटों के उपरांत आग पर काबू भी पा लिया गया, मगर तब तक सामुदायिक भवन और उसके अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पंचायत प्रधान संजीव शर्मा ने सुबह गांव का दौरा किया और लोगों से इस आगजनी पर दुख प्रकट किया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा के उपरांत कहा है कि इस तरह की आगजनी शरारती तत्वों द्वारा की गई है, क्योंकि आगजनी में लोग बिजली विभाग पर सीधा शॉर्ट सर्किट होने का आरोप लगाते हैं, मगर इस सामुदायिक भवन में बिजली का कनेक्शन नहीं था। जरूरत पड़ने पर आसपास के घरों से यहां अस्थायी बिजली की व्यवस्था की जाती थी। पंचायत प्रधान संजीव शर्मा ने नायब तहसीलदार राधिका को पूरे मामले की जानकारी दी है। नायब तहसीलदार ने भी इस आगजनी की घटना पर तुरंत खलका पटवारी को मौके पर जाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जांच करने की मांग पंचायत प्रधान के द्वारा की गई है, ताकि शरारती तत्वों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जा सके।